अथ सप्त चत्वारिंशो अध्याय पाणी ग्रहण के लिए हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन। ब्रह्मा उवाच। शैलराज ने प्रसन्नता पूर्वक बड़े उत्साह से वेद मंत्रों के द्वारा शिवा एवं शिव जी का उपनयन संस्कार संपन्न कराया। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं एवं मुनियों ने हिमालय के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके घर के भीतर प्रवेश किया। श्रुत्याचारम भवाचारम विधायाचा यथार्थतः शिवामलंकृता चक्र शिवदत्त्य विभूषण प्रथमं स्थापयित्वा तं भूषयित्वाथ सर्वशः निराजिता सखीभिश्च विप्रपत्नीभिरेव च अहताम्बर्युग्मेन शोभिता वरवर्णिनी वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया। उन लोगों ने लोक तथा वेद रीति को यथार्थ रूप से संपन्न कर शिव के द्वारा दिए गए आभूषणों से पार्वती को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मणों की पत्नियों से पहले पार्वती को स्नान कराकर पुनः सभी प्रकार से सजाकर उनकी आरती उतारी। शंकर प्रिया तथा गिरिराज सुता वर वर्णिनी पार्वती उस समय दो नूतन वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, उन देवी ने अनेक प्रकार के रत्नों से जटित परम दिव्य तथा अद्भुत कंच की धारण की, जिससे वे अधिक शोभा पाने लगी। तदनंतर उन्होंने दिव्य रत्नों से जड़ा हुआ हार तथा शुद्ध सुवर्ण से बने हुए बहुमूल्य कंगनों को भी धारण किया। तीनों जगत को उत्पन्न करने वाली तथा महाशैल की कन्या सौभाग्यवती वे पार्वती मन में शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं पर बैठी हुई अत्यंत शोभित होने लगी। उस समय दोनों पक्षों में आनंददायक महान उत्सव हुआ और उभय पक्ष से नाना प्रकार के अवर्णनीय दान ब्राह्मणों को दिए गए। इस प्रकार लोगों को भी अनेक प्रकार के दान दिए गए और वहाँ उत्सव पूर्वक गीत वाद्य एवं विनोद संपन्न हुए। महाप्रीत्या निखिला सोत्सव मुदा सुप्रणा
शिवं भक्त स्मृता शिव पदमुजं संप्राप्य हिमगिर्याख्यं स्वसंस्थानं समाश्रितः एतस्मिन्नन्तरे तत्र ज्योतिःशास्त्र विशारदः हिमवन्तं गिरीन्द्रं तं गर्भवाक्यं भाषत। तब मैं ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवगण तथा सभी मुनि लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद पूर्वक उत्सव मनाकर भक्ति पूर्वक पार्वती को प्रणाम कर तथा शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी समय वहाँ ज्योति शास्त्र के पारंगत विद्वान गर्गाचार्य उन गिरिराज हिमालय से यह वचन कहने लगे। गर्ग उवाच। पाणिग्रहार्थं शम्भो जनय त्वं निज मन्दिरम्। गर्ग बोले, हे हिमालय, हे धराधीश, हे स्वामिन, हे काली के पिता, हे प्रभु, अब आप पाणी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर पर ले आइए। ब्रह्मा उवाच। अथ तं समयं ज्ञात्वा कन्यादानोचितं गिरिः निवेदितं च गर्गेण मुमुदितिवचेतसि। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात गर्ग के द्वारा निर्देश दिए गए कन्यादान के लिए उचित समय को जानकर हिमालय मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। महीधरं द्विजंश्चैव परानापि मुदगिरिः प्रेषयामस सुप्रीत्य शिवानानय काम्यया ते पर्वत द्विजंश्चैव सर्वमङ्गल संजग्मुः सोत्साह प्रीत्या यत्र देव महेश्वरः। हिमालय ने आनंदित होकर उसी समय पर्वतों, द्विजों तथा अन्य लोगों को भी अत्यंत प्रेम के साथ शिव जी को बुलाने की इच्छा से भेजा। वे पर्वत तथा ब्राह्मण हाथों में सभी मांगलिक वस्तुएं लेकर महान उत्सव करते हुए प्रेम पूर्वक वहाँ गए जहाँ भगवान महेश्वर थे। उस समय गीत नृत्य सहित वाद ध्वनि तथा वेद ध्वनि से महान उत्सव होने लगे। श्रुत्वा वादित निर्घोषं सर्वे शंकर सेवका उत्थितास्त्वय कपद्ये सदेवर्षि गणमुदा परस्परं समुचुस्ते हर्ष निर्भर मानसं अत्र गच्छन्ति गिरय शिवानयन काम्यया। वाद्यों के शब्द को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक, देवता, ऋषि तथा गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण होकर परस्पर कहने लगे, शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। पाणी ग्रहण कालो हि नूनं सद्यः समागतः महद्भाग्यं हि सर्वेषां संप्राप्तमिह मन्महे धन्या वयं विशेषेण विवाहं शिवयो ध्रुवं रक्ष्यामः परमः प्रीत्या जगतां मङ्गलालयम्। निश्चय ही पाणिग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिवा शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। ब्रह्मा उवाच। एवं जावत् उत्तेशं संवादस्तत्र चादुरात् तावत् सर्वे समायातः पर्वतेन्द्रस्य मन्त्रिणः गत्वा प्रथयाञ्चक्रुः शिवं विष्णुमधिकानपि कन्यादानोचितः कालो वर्तते गम्यतामिति। ब्रह्मा जी बोले, जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री वहाँ आ गए। उन लोगों ने जा करके विष्णु आदि तथा शंकर से प्रार्थना की कि कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चले। चक्रुत्वा सुरः सर्वे मुने विष्णादयोखिलः मुमुदुश्चेतसातीव जयत्युजुर्गिरिन्द्रुतम्।
यह सुनकर विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। इधर शिव जी भी काली को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे, किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उनके लक्षण को मन में गुप्त रखा। उसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की और उन्हें वृषभ के स्कंद पर बैठाया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कुतूहल कर रहे थे। उस समय हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण कुतूहल से युक्त होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए चवर डुलाए जाते एवं वितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं विष्णु इंद्र तथा समस्त लोकपाल परमेश्वर से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेरियां, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। सभी गायक भी मंगला गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थीं। इस समय इन सभी के साथ जगत के एकमात्र बंधु शिव परम तेज से युक्त होकर समस्त हर्षित हो सुरेश्वरों के द्वारा सेवित होते हुए तथा अपने ऊपर पुष्प विकीर्ण किए जाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात सभी लोगों से भली भांति पूजित होकर शंभु ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उन परमेश्वर की नाना प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। शेष पर्वतों ने शिव जी को वृषभ से उतारा और प्रेम के साथ महोत्सव पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी देवताओं तथा गणों सहित आए हुए ईश्वर को विधिवत भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी।
सर्वान् सुरान् मुनीनन्यत् प्रणम्य समोत्सवः समानमकरोत्तेषं प्रशंसन् स्वविधिं मुदा। इसी प्रकार उत्साह युक्त होकर उन्होंने सभी देवताओं मुनियों तथा अन्य लोगों को प्रणाम कर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक इन सब का सम्मान किया। वे हिमालय विष्णु और प्रमुख देव समुदाय सहित ईशान को उत्तम पाद्य तथा अर्घ्य प्रदान कर उन्हें अपने घर में ले गए और उन्होंने आंगन में रत्न के सिंहासन पर विशेष विशेष देवताओं को मुझे विष्णु को ईश को और सभी विशिष्ट लोगों को आदर पूर्वक बैठाया। अन्याभिश्च पुरन्द्रेभिश्च प्रेमीराचनं मुदा पुरोधसत्कृत्यवेद शङ्कराय महात्मने मधुपर्पादिकं यद्यत् कृतं तत्कृतं। मीना ने भी बड़े प्रेम से अपनी सखियों ब्राह्मण स्त्रियों तथा अन्य पुरंजियों के साथ मुदित होकर शिव जी की आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने मधुपर्क दान आदि जो जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए संपन्न किया। हे मुने, पुरोहित ने मेरे द्वारा प्रेरित होकर प्रस्ताव के अनुकूल जो मांगलिक कार्य था उसे किया। अंतर्वेद्यं महाप्रीत्या संप्रविश्य हे माद्रिणा यत्र सा पार्वती कन्या सर्वाभरण भूषिता वेदिको परितन वंदि संस्थिता स्वविराजिता तत्र नीतो महादेव विष्णुना च माया सह लग्नं निरीक्षमाणास्ते वाचस्पति पुरुगमः कन्यादानोचितं तत्र बभूवो परमोत्सवः। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर समस्त आभूषणों से विभूषित तन्वंगी कन्या पार्वती जहां विराजमान थी वहां विष्णु तथा मेरे साथ महादेव जी को ले गए। उस समय वहां बृहस्पति आदि देवता कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करते हुए अत्यंत आनंदित हो रहे थे। जहाँ घटिका यंत्र स्थापित था वहीं पर गर्गाचार्य बैठे हुए थे। विवाह की घड़ी आने तक वे पणों का जप कर रहे थे। गर्गाचार्य ने पुण्या वाचन करते हुए अक्षतों को पार्वती की अंजलि में दिया। तब पार्वती ने प्रेम पूर्वक शिव के ऊपर अक्षतों की वर्षा की। इसके बाद परम उदार और सुंदर मुख वाली उन पार्वती ने दही अक्षत तथा कुश के जल से शिव जी की पूजा की। कृतं पुरा महाप्रीत्या निरराज शिवति सा मयामुनि तदुतस्तु गर्वादि मुनिभिश्च सह समानर्च शिवां शम्भो लौकिकाचार संरतः एवं पर परं तोवे पार्वती परमेश्वरो अचयन्तो तदानीं च शुशोभाते जगन्मयो त्रैलोक्यलक्ष्म्यो समीपो निरीचन्तो परस्पर।
जिनके लिए उनशुभा ने पूर्व काल से अत्यंत कठोर तप किया था, उन शंभू को प्रेम पूर्वक देखती हुई वे अत्यंत शोभित हो रही थी। हे मुने, तदनंतर मेरे एवं गर्ग आदि मुनियों के कहने पर सदाशिव ने लौकिक विधि का आश्रयण कर पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जगन में पार्वती तथा परमेश्वर परस्पर एक दूसरे का सत्कार करते हुए परम शोभा को प्राप्त हो रहे थे। लक्ष्मी आदि देवियों ने त्रिलोक की शोभा से समन्वित होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए उन दोनों की विशेष रूप से आरती उतारी। तत्पश्चात ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा नगर की अन्य स्त्रियों ने उनकी आरती की। उस समय शिवा तथा शिव को उत्सुकता पूर्वक देखती हुई ये सब बहुत आनंदित हुई। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे शिव हिमगिरि गृहाभ्यंतर गमनोत्सव वर्णनम नाम सत्व चत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में हिमालय के घर शिव के गमनोत्सव का वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।